हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है न्यूज बुलेटिन सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। तो चलिए जरा शुरुआत करेंगे यहां पर, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक बार इसे क्लास के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट बाकी स्टूडेंट जो है वो भी क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो आइए जरा क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। सेकेंडली आपको बता दें कि कल जो आपका क्लास है सुबह 5 बजे वाला, वो सुबह 5 बजे की जगह पर उसमें डेट एक्चुअल में गलत हो गई थी टीम से, तो वो 8:30 बजे चला है कल सुबह वाईफाई स्टडी चैनल पे यूट्यूब पे, तो आप उसको एक बार से चेक जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सवालों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता हुआ। लेकिन 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 क्लास को आगे लेके जाने से पहले मुझे पता है कुछ बच्चों का कॉमेंट जरूर आ रहा होगा रिगार्डिंग द मैच, है ना। अब जो हुआ सो हुआ, उसमें कुछ कोई कर नहीं सकता है, तो इस ब्रेकडाउन से बाहर आइए और अपनी पढ़ाई पे दोबारा से फोकस करिए। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि कोई भी नहीं कहता कि हमारी कंट्री हारेगी ये वो, बट एट लास्ट जब स्टार्टिंग के 4 से 5 ओवर हो गए थे, उसके बाद में ये समझ आ गया था कि गेम हुआ है ना। तो चलो जो हुआ सो हुआ, देखा जाएगा आगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे पहले सवाल से, और पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर आता हुआ। 17th ईस्ट एशिया समिट, 3 दिन के विजिट पे इनमें से कौन सी पर्सन है जिन्होंने विजिट किया, कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंदर, और ये कंट्री कौन सी है, दैट इज कंबोडिया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी, जो कि कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर हम कल की बात करें तो कल द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल में जाके दर्शन किए, वो उड़ीसा में कल गई हुई थी, उड़ीसा की कल यात्रा पे थी वो, और यहाँ पर ये जो नाम है ये है वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में हुआ है। 17th ईस्ट एशिया समिट का आयोजन जो किया गया वो कंबोडिया के अंदर किया गया है। हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे भी आसियान की बैठक होती है, एक्चुअल में हमेशा उसी जगह पर आपको EAS की जो बैठक है वो भी देखने को मिलती है। अगला सवाल, एजुकेशन मिनिस्ट्री विल सेलिब्रेट द जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस जो है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से तारीख को इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम डेट की बात करें तो डेट हो जाएगी 15th of November, और ये जो दिन है ये हैप्पी बर्थडे होता है झारखंड स्टेट का। झारखंड का जो फॉर्मेशन है वो आपको 15 नवम्बर को मिलेगा, और ये एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा जी की, उनकी ही बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पे इस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए गौरव सम्मान ये कौन से स्टेट के अंदर अवार्ड दिए जाते हैं, तो आप आंसर उत्तराखंड करेंगे। वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, उस कंडीशन में आंसर जो होगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, ये जो डे है ये कब सेलिब्रेट होता है, सॉरी ये कब सेलिब्रेट होता है, तो ये रेडियोग्राफी डे जो है ये वैसे आप लोग बताओ यार, ये तो मतलब आप बता ही सकते हो, सोचो सोचो कब सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पर ये जो डे सेलिब्रेट है इसका जो रीजन है वो है एक्सरे। क्या है, एक्सरे। एक्सरे को सबसे पहली बार डेवलप किया गया था, और उसी के चलते यहाँ पर जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि एक्सरे इसके अंदर मेन कॉम्पोनेंट आपको देखने को मिलता है। कॉमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा कि ये जो दिन है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हम लोग 7 बजे की क्लास में एक बार फिर से डेज के ऊपर जो 2 क्वेश्चन हैं उनको बनाया है, तो उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला, 95th ऑस्कर विल बी हेल्ड ऑन विच डे। 95th नंबर का जो ऑस्कर है इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो 23rd of March, ठीक है, 2023 मार्च में इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन इसको होस्ट कौन करेंगे, तो एक बार फिर से जिमी केमल के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। दिस इज द थर्ड टाइम जब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको होस्ट करने जा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ये है। अगर पिछले वाले हम ऑस्कर की बात करें तो जो बेस्ट मूवी का अवार्ड गया था वो कोडा को था, और अगर हम बेफ्टा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा द पावर ऑफ डॉग, ठीक। तो ये दोनों के दोनों जो नाम है ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे आइए, अर्थक्वेक जो है उसको किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो अर्थक्वेक को कैलकुलेट किया जाता है रिक्टर स्केल के ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये जो अर्थक्वेक है ये आपको कहाँ पर देखने को मिला, ये आपको नेपाल के अंदर देखने को मिला। लेकिन नेपाल के अंदर जो एपिसेंटर था वो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा गहराई पर नहीं था, इसकी वजह से इसका जो इंटेंसिटी थी वो काफी ज्यादा फील हुई,
इसका करेक्ट आंसर है रिक्टर स्केल। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे तबाही देखने को मिली। अगला, अ टेस्टिंग एंड द इवैल्यूएशन फैसिलिटी फॉर द सोनार सिस्टम, यह भी हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है, स्पेस। इसका नाम क्या है, स्पेस इसका नाम रखा गया है। इंडियन नेवी के लिए इसको बनाया गया है, सवाल में कहा जा रहा है किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO के द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या फोकस किया जाएगा, इसमें फोकस किया जाएगा कि हमारी इंडियन आर्मी के पास में या हमारी इंडियन नेवी के पास में क्या होता है, सोनार सिस्टम होता है ना, कब जरूरत पड़ जाए यू नेवर नो। तो हमारी जो इंडियन आर्मी है उनके पास में जो सोनार सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शनल है कि नहीं है, इस बात के लिए भी यहाँ पर अलग अलग क्या होते हैं चीजों को डेवलप किया जाता है। तो उसी के चलते यहाँ पे स्पेस को डेवलप किया है जो पता लगाएगा कि सोनार जो है वो परफेक्टली फंक्शनल है कि नहीं है। अगला, दी ऑस्ट्रियन मूवी अल्मा ऑस्कर, ये मूवी का नाम है, ये 54th, देखो एक बार समझना, 54th, 53rd एंड 52nd, ये तीन आपको हमेशा पता होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वाला जो अवार्ड सेरेमनी है ये हर बार आपको कहाँ मिलेगी, गोवा के अंदर ही मिलेगी। तो यहाँ पे कोई बदनाम नहीं होने जा रहा है कि यहाँ से उठा के कहीं और पे कर दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका आयोजन कहाँ होगा, गोवा के अंदर किया जाएगा और इसके अंदर जो बेस्ट अवार्ड मिलता है दैट इज गोल्डन, कौन सा हो जाएगा, पिकॉक अवार्ड, कौन सा है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है वो दिया जाता है। अगले, स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस, इनके द्वारा अभी हाल ही में बोला गया है कि ये अपना एक रॉकेट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, और ये कहाँ से लॉन्च होगा, तो ये श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। बट इसका हेडक्वार्टर या फिर इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, तो ये हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है, कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। इसका नाम क्या रखा गया है, विक्रम एस। इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है, प्रारंभ यानी कि द बिगनिंग, ये इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट और आखिरी, यहाँ पे ये जो न्यूज है ये आपकी जुड़ी हुई है किसके साथ में, बैडमिंटन के साथ में, और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि प्रमोद भगत एंड मनीषा रामदास, ये तो कल की अपडेशन है ना, ये तो कल की अपडेशन है, बट आज सुबह की अपडेशन आपको बता देते हैं कि इंडिया की टीम ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। कितने मेडल, 16 मेडल जीते हैं, किसके अंदर, वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ, टोक्यो के अंदर किया गया, कहाँ, टोक्यो के अंदर किया गया। चलिए तो ये था अपना आज का सेशन, अब आपसे मिलते हैं 7 बजे की क्लास में। इसके अलावा आपका जो स्पेशल क्लास है शाम को 4 बजे वो भी स्टार्ट हो चुका है, हर दिन आपको एक टॉपिक जो है वो पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने अभी तक नए बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी नए नए ये जो बैचेस हैं इनकी शुरुआत हुई है, ये तो कल से ही शुरू हुआ है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपका GS मैथ इंग्लिश रीजनिंग आता है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बैच है दैट इज क्रैश कोर्स, इसका FCI का, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये ध्यान दीजिएगा कि टेलीग्राम का जो लिंक है सही जगह पे आप ऐड ऑन हो, वरना फिर आपको ही दिक्कत होती है, ठीक है। प्रति 10 कोड के साथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह, टिल देन बाय एंड टेक केयर।